हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सबस्टेशन क्या होता है, पावर सिस्टम में सबस्टेशन का यूज़ क्या है और सबस्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पावर सिस्टम को तीन सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये जो तीन सेक्शन है पावर सिस्टम के, इनको आपस में कनेक्ट करने का जो काम होता है वो सबस्टेशन के थ्रू किया जाता है। मतलब जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आपस में जो लिंक है, इसको अगर मैं सबस्टेशन कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। अब दोस्तों, इसमें एक बात और आती है। जैसे देखिए, हमारा जो प्लांट है इसमें जो इनकमिंग लाइन आती है ग्रिड से, ये 66 केवी वोल्टेज लेवल से आती है, पर प्लांट में हम जो वोल्टेज लेवल यूज़ करते हैं वो है 11 केवी। तो इस 66 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करने के लिए जो सिस्टम हम यूज़ करेंगे, जो अरेंजमेंट्स हम यूज़ करेंगे स्विच गियर और प्रोटेक्शन का, उसे सबस्टेशन कहा जाएगा। अब इसमें दोस्तों आपका डाउट ये आएगा कि 66 केवी की अगर इनकमिंग लाइन आ रही है और आपकी रिक्वायरमेंट 11 केवी की है, तो आप सिंपल एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं जो 66 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करेगा और फिर आगे की लाइन 11 केवी की रहेगी। तो ये बिल्कुल सही है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही लगाया गया है जो 66 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करता है। तो बात ये आती है कि फिर हम इसे सबस्टेशन क्यों कह रहे हैं, या तो बस एक ट्रांसफार्मर से ही काम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि जब भी आप एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं 66 केवी को 11 केवी पे स्टेप डाउन करने के लिए, तो काम सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का ही नहीं रहता। ये बात सही है कि जो मेन हिस्सा है वो ट्रांसफार्मर कर रहा है 66 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करके, पर इस ट्रांसफार्मर के साथ हमें सर्किट ब्रेकर भी लगाने पड़ेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें 66 केवी की जो इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है एमएससीबी का, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यहाँ प्लांट में जो पावर प्लांट लगाया गया है उसके थ्रू ही पूरे लोड मैनेज हो जाते हैं, तो हम एक सर्किट ब्रेकर लगाते हैं जिसके ऑपरेशन के थ्रू हम जब चाहे एमएससीबी से सप्लाई ले सके और जब चाहे हम एमएससीबी की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सके। तो आपको एक सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा, आपको ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ेंगे, सर्किट की मॉनिटरिंग के लिए या फिर मेजरिंग पर्पज़ के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स भी लगाने पड़ेंगे, जिसे सीटी और पीटी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, जिसमें एक बस कपलर आ जाएगा, बस बार सिस्टम आ जाएगा, और भी कुछ सर्किट ब्रेकर्स आएंगे, सिंक्रोनाइजिंग पैनल आएगा। तो इन सभी चीज़ों को कंबाइंड करके जो एक यूनिट बनती है उसको हम सबस्टेशन कहते हैं। तो आज दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो सबस्टेशन का काम होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो तीन सेक्शन है पावर सिस्टम के, इनको कनेक्ट करना। दूसरा, सबस्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आएगा ट्रांसफार्मर, क्योंकि चाहे हमें वोल्टेज लेवल स्टेप अप करना हो या स्टेप डाउन करना हो, वो बिना ट्रांसफार्मर के पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आएंगे सर्किट ब्रेकर, बस बार सिस्टम आएंगे, उसके अलावा आपके सीटी और पीटी, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स कहते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो ये तो हो गया एक सबस्टेशन का एक अरेंजमेंट हो गया कि किस चीज़ को हम सबस्टेशन कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आती है कि सबस्टेशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे जो बड़े जनरेटिंग स्टेशंस रहते हैं, जो बड़ी ट्रांसमिटिंग यूनिट्स रहती है, वहाँ आउटडोर टाइप सबस्टेशन हम यूज़ करते हैं, जहाँ सबस्टेशन को ओपन स्पेस में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर आपके वोल्टेज लेवल कम है, अगर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है, तो कई जगह इंडोर टाइप सबस्टेशन भी होता है, जहाँ एक क्लोज सर्फेस के अंदर सबस्टेशन को बिल्ड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, वोल्टेज लेवल के हिसाब से भी जो सबस्टेशन होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है। जैसे जो हाई एक्स्ट्रा लाइन वोल्टेज होती है, जैसे कि 440 केवी की लाइन हो गई, 400 केवी की लाइन हो गई, इसको जब आप स्टेप डाउन करेंगे 66 केवी के लेवल में, तो इसको कहा जाएगा प्राइमरी सबस्टेशन। उसके बाद 66 केवी को जब आप 11 केवी के वोल्टेज में स्टेप डाउन करेंगे, तो जो सबस्टेशन यूज़ में आएगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सबस्टेशन। और 11 केवी के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के लिए हमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ता है, वोल्टेज को स्टेबल करना पड़ता है, इन सब पर्पस के लिए जो सबस्टेशन यूज़ होता है उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सबस्टेशन होता क्या है। आप सिंपल ये याद रखिए कि किसी भी पावर सिस्टम के जो 3 सेक्शन हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए जो लिंक का यूज़ होता है उसे सबस्टेशन कहा जाता है। सबस्टेशन को हम यूज़ करते हैं वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। सबस्टेशन को हम यूज़ करते हैं इनकमिंग लाइन को अपने सिस्टम से कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने के लिए। इसमें हम सर्किट ब्रेकर भी इसीलिए लगाते हैं कि इनकमिंग लाइन में अगर कोई फॉल्ट जनरेट होता है या सिस्टम अगर अनस्टेबल होता है तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाए और इनकमिंग लाइन और हमारा सेक्शन आपस में आइसोलेट हो जाए। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है स्विच गियर और प्रोटेक्शन का, इसी को सबस्टेशन कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पावर सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।